हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यूशन कर रहे थे, यहाँ पर गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स के चार वीडियोस में टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम 2020 से 2010 में जितने भी थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं गेट लाइफ साइंसेस में, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर 1-4 वीडियोस बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक यहां पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और तब आप उसका सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो आप इजीली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2020 से, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल फॉर ऑब्टेनिंग 3 मोल ऑफ H2 फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इन गैस फेज इज गिवन, दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन द गैस फेज इज 218 किलोजूल पर मोल। ये क्वेश्चन आया हुआ 2020 में गेट XLPE। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल है। इसको थ्योरी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी को आप लोग अच्छे से देखिए। तो अभी इसका सिंपल है, यहाँ पर देखिए ये डेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन गैस फेज इज 218, यानी H2 को मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके H फॉर्मेशन, ये एटम में फॉर्मेशन करने का जो है, ये डेल्टा एच की वैल्यू वो है 218। ठीक है, तो अभी हम लोग को बनाना क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग रिवर्स करना होगा, यानी रिवर्स करने का मतलब है कि यहाँ पर एच को कन्वर्ट करना है किसमें, H2 में। तो कितना चाहिए, 3 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ 3 होगा, 3 मॉलिक्यूल हो गया ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और एटम कितने हो गए, 3 × 2 = 6, तो इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 218, तो 6 के लिए कितना होगा, × 6, क्योंकि ये एक के लिए दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये हम लोगों ने रिवर्स किया H से H2 की तरफ, तो हम लोग को इसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करेंगे तो ये साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी ये आंसर होगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आंसर आएगा 8 × 48, 4 × 6 = 10, 1 × 12 = 13, 13.08 किलो जूल पर मोल। तो आंसर विल बी 13.1308 किलो जूल पर मोल। अब सो ये क्लियर है, और यही आंसर भी है, देखिए मैंने साइड में आंसर भी लिख दिया, तो ये आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो गेट 2020 से आया हुआ है। तो गेट 2020 से ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इट गिवन प्रेशर ए सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 2000 केल्विन टू 2600 केल्विन, इफ द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज 16 J/K पर मोल एंड इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द गिवन टेम्परेचर रेंज, देन द चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल इन किलोजूल पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू, जिसको हम लोग हीट लिख सकते हैं या एंथैल्पी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये एक फॉर्मूला था। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 60 एंट्रोपी 60 किलो जूल पर मोल इंटू डेल्टा टी की वैल्यू, यानी 2600 से चेंज कैसे लिखेंगे, 2600 टू 2000 ये केल्विन, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 60 × 16, यहाँ पर ये यूनिट किलो जूल नहीं है, ये है जूल केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू आएगा 36,000 जूल पर मोल, और जब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये वैल्यू आएगा 36 किलो जूल पर मोल। आंसर विल बी 36, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ। अच्छा, ये वैल्यू ये फॉर्मूला में माइनस होता है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा माइनस होगा, माइनस क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो वैल्यू होगा माइनस में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये 2019 से आया हुआ क्वेश्चन। ए प्रोटीन इज डीनेचर्ड स्टेट डी इज इन इक्विलिब्रियम विद द नेटिव स्टेट एन एट 360 केल्विन। बोथ एन एंड डी स्टेट आर इक्वली पॉपुलेटेड। इफ द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज दिस मच देन कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन दिस। तो ये तो ईजी है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला था। तो एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है माइनस वन था जूल केल्विन मोल माइनस वन। माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है डेल्टा एच और टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी। टेम्परेचर कितना दिया 360 पर 360 केल्विन। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस 139 इंटू 360 और ये वैल्यू माइनस है तो इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस यानी ये माइनस माइनस प्लस यानी वैल्यू होगा प्लस में। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। यानी 139 इंटू 360 5050 1040 और इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये वैल्यू आएगा 50.04। ये आंसर होगा आंसर विल बी 50.04। यही देखिए आंसर भी इसी रेंज में 49 से 51 तक। ओके अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इन द ऑक्सीजन इंडिविजुअली द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा। तो यहाँ ये बोल रहा है कि कार्बन का फॉर्म होता है दो फॉर्म होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड। तो ग्रेफाइट का ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन में CO2 बनेगा। इसका डेल्टा एच क्या दिया हुआ है इसका दिया हुआ -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है किसका ग्रेफाइट का। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। दूसरा क्या है सी डायमंड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन रहा है CO2। तो डेल्टा एच डायमंड का क्या होगा -395.4 किलो जूल पर मोल। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि सी ग्रेफाइट से सी डायमंड कन्वर्जन करने का क्या होगा डेल्टा एच। ठीक है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है सी ग्रेफाइट सी डायमंड। तो सी डायमंड वाले जो सेकंड इक्वेशन उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर इस वाले को रिवर्स कर दें इस वाले सेकेंड वाले इक्वेशन को तो क्या बनेगा CO2 इस तरफ सी डायमंड इस तरफ प्लस O2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो आप क्या करते हैं दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो देखिए इस तरफ CO2 है और इस तरफ CO2 कैंसिल आउट होगा इस तरफ O2 और इस तरफ O2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सी ग्रेफाइट टू सी डायमंड। वही मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है तो नेट आएगा सी ग्रेफाइट टू सी डायमंड। तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन। तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को। तो इन अच्छा ऐड करने के लिए इसको रिवर्स करना होगा क्योंकि ये वाला हम लोगों ने रिवर्स किया था तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसके लिए ये साइन चेंज हो जाएगा +395.4 और इन दोनों को अब ऐड कर देना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा +1.9 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या होगा ए ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वन मोल ऑफ हीलियम गैस इज आइसोलेटेड सिस्टम अंडर गो। ओके ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिएक्शन। तो क्या होता है फॉर्मूला 2.303 RT log V2 by V1। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं 2.303 into R क्या है गैस कांस्टेंट 8.314 और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर बोल रहा है 25 यानी 298 केल्विन में कन्वर्ट करना है। log V2 by V1 V2 की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 8.314 इंटू 298 इंटू ये 5705 5705.84।
और log 5, तो log 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 log की वैल्यू आ रही है 0.69 यानी 0.7, तो 0.7 से तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 5705.84 इंटू 0.7, ये 394.08, ओके ये आ रहा है वैल्यू, ये वर्क डन हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू, क्यू इज बेसिकली वर्क डन और एनर्जी डिवाइड बाई टी। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्यू की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट हो गई 3994.08 डिवाइड बाई टी यानी 298 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर होगा। तो ये आंसर कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 298 से, ये आंसर आएगा 13.4 जो मैच कर रहा है गिवन आंसर से। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्या है 2017 में, द एक्सटेंसिव क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज, तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी और इंट्रेंसिक क्वांटिटी हम लोग ने किया हुआ है। एक्सटेंसिव क्वांटिटी वो होता है जो क्वांटिटी पर डिपेंड करे, डिपेंड ऑन क्वांटिटी, अगर कम क्वांटिटी लिया तो उसकी वैल्यू भी कम, लार्ज क्वांटिटी लिया तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा, तो वो क्या होगा, प्रेशर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, केमिकल पोटेंशियल भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड क्या करता, वॉल्यूम, और इसीलिए ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाकी तीनों क्या है, इंट्रेंसिक या इंटेंसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 से है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोपेन एट 298 केल्विन द मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -124.27, तो प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है और इसका हाइड्रोजन हो रहा है और क्या बन रहा है, प्रोपीन। तो इसका ऑलरेडी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है H2 का कितना, -124.27, तो ये कितना दिया हुआ है वैल्यू, 20.42, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि इसका फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो इंडिविजुअली इसका फॉर्मेशन दिया हुआ और इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देना होगा सिंपली। तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ H2 प्लस डेल्टा एच ऑफ प्रोपीन, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 124.27 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 20.42, इसमें से कर लेते हैं कैलकुलेशन, 124.27 -20.87, तो 103.87 को हम लोग 104 भी लिख सकते हैं, तो आंसर विल बी -104, तो यहाँ पर -104 है, ये रेंज भी दिया हुआ है यानी करेक्ट है माइनस में। ठीक है, होप से ये क्लियर है कैसे सॉल्व किया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड इक्वेशन गिवन बिलो द इनकरेक्ट पूछ रहा है कॉम्बिनेशन इज, तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इन चारों में से एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इन परफेक्ट गैस, ये इक्वेशन रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, तो यानी इंटरनल जो एनर्जी है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू होगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यहाँ पर पी डी वी होता है, प्रेशर इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लोग अगर आइडियल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन होता है आइडियल गैस का, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, एन आर टी डिवाइड बाई वी, तो इस पी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एन आर टी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी। ठीक है, तो एन आर टी डी वी बाई वी ये हो सकता है, और आइडियल गैस के लिए एन की वैल्यू वन होगी, तो ये आर टी इंटू डी वी बाई वी, ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, या तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब आ रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में,
तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सकते हैं सी वी इंटू डी टी। सी वी क्या है? तो सी वी है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता, तो ये करेक्ट था, या तो ये फॉर्म है, ये दोनों में से कोई भी ये फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर इसका बी होगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करके, जो गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री में 2015 से आया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है फॉर द प्रोसेस एस टू ओ लिक्विड टू एस टू ओ एस सॉलिड एट 0 डिग्री एंड 1 एटमोसफेयर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो ये इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है, तो इक्विलिब्रियम पर सिस्टम रहने का मतलब है कि एस की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए इंडिविजुअली। तो इसका मतलब है डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो डेल्टा एस क्या है? तो ये एस इन्वायरमेंट का लेना, यानी यहाँ पर सिस्टम और डेल्टा सिस्टम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दोनों क्या होना चाहिए? मिलकर वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एस टोटल जो है सिस्टम और सराउंडिंग का, वो क्या होना चाहिए? 0। आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2015 से आया। मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर लिक्विड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिस मच, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन से आया हुआ है। कैसे करेंगे इसको? तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, लॉग पी वन डिवाइड बाई पी टू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू 1 माइनस T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला था। अब ये लॉग एक्सपोनेंशियल में, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग की वैल्यू 10 आ जाएगी। और पी वन क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल यहाँ पर आपका है, मत इनिशियली हम लोग 1 रखेंगे, 1 एटमोसफेयर। तो 1 एटमोसफेयर का वैल्यू कितना आएगा? 760 टॉर। यहाँ पर दूसरा प्रेशर हम लोग को फाइंड आउट करना है, माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या है? 39 किलो जूल, 39,000 जूल पर मोल लिख देंगे। नीचे की तरफ आर है, तो 8.314 जूल में रहता है, इसलिए इसको ऊपर वाले को भी जूल में कन्वर्ट किया है, इनटू 1 बाई T1। टी वन क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियली कितना है? 78.3। तो इसको हम लोग 273 से ऐड कर देंगे, तो 273 78.3 ये वैल्यू आएगा। तो 351.3, ये 1 बाई 351.3 हो गया। और दूसरी तरफ आएगा 25 डिग्री, T2 यानी 298, इस पर पूछ रहा है। P2 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वही आंसर होगा। तो देखिए कैसे करना है, लॉग 760 डिवाइड बाई P2 पूरा का पूरा, ये 39,000 डिवाइड बाई 8.314, और ये 2.303 भी इस तरफ आ गया। तो पूरा अब ये 298 माइनस 351.3 डिवाइड बाई 351.3 इंटू 298, ये नेगेटिव वैल्यू होगा। ओके, और ये नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसके वैल्यू को फाइंड आउट। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,900 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 2.303, ये इतना आया। उसके बाद में ये इतना आया 2,036.85, ये माइनस करके कितना आएगा? 298 को माइनस करते हैं 351.3 से, ये वैल्यू तो ये आएगा -53। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2,036 से, 2,036.8 से, तो ये वैल्यू इतना आया। डिवाइड कर देंगे 3.3, ये फिर से डिवाइड करेंगे इसको 298 से, तो ये है -103, यानी ये प्लस में आ रहा आंसर। तो पूरा का पूरा फाइनल -1.03 आएगा। तो इसका वैल्यू मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पर हटाकर, 1.03 माइनस वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा, अब इसको ये लॉग 760 डिवाइड बाई P2,
ये लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट करेगा, यानी 760 डिवाइड बाई पी टू इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.03। तो देखिए ये आ रहा वैल्यू 10.71, ये वैल्यू। अब यहाँ पी टू ऊपर जाएगा यहाँ से, अब मैं इस वाले को यहाँ से कैलकुलेशन करना है, तो पी टू की वैल्यू क्या आएगी, पी टू की वैल्यू आएगी 760 डिवाइड बाई 10.71। ये वैल्यू कितना आएगा, 760 डिवाइड बाई 10.71 70.96। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 जो 2014 गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री से आया हुआ है। एट 298 केल्विन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एच सी 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 डबल बॉन्ड आर दिस वन रिस्पेक्टिवली, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन इज 717 किलोजूल पर मोल एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेप्थिलीन। ओके एट 298 तो नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, तो ये नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर है देख सकते हैं, तो यहाँ पर नेप्थिलीन का ये दो बॉन्ड है, यहाँ पर तीन डबल बॉन्ड, तो मेरे को यहाँ ये नेप्थिलीन है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर H कहाँ पर, ये तो चार कार्बन की वैलेंसी थी, तो एक दो तीन यानी यहाँ पर H लगेगा, ये कितने हैं H यहाँ लगेगा, एक दो तीन चार ठीक है, एक दो तीन फिर यहाँ पर H लगेगा, फिर यहाँ पर H लगेगा, ये ठीक है यहाँ H नहीं लगेगा, ये ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर फिर से H लगेगा, फिर से H लगेगा, फिर से H लगेगा, फिर से H लगेगा। अब मुझे C और H के नंबर काउंट करके बताना है कितने हैं, कितना नंबर इनका, देखिए सी एच का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ नंबर। C डबल बॉन्ड C का कितना नंबर है, तो एक यहाँ पर है, इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं, एक ये है एक, दूसरा डबल बॉन्ड ये है दो, तीसरा ये तीन, फिर ये चार और एक ये पाँच, उसके नंबर कितने हैं पाँच। सी बॉन्ड कितने हैं, सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो देखिए कहाँ पर है? एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, यानी छः। अब क्या करना है, इस एट को सी एच का कितना वैल्यू 415, तो इसको 415 से मल्टीप्लाई करना है। ये फाइव इसके कितने नंबर क्या वैल्यू है, बॉन्ड एसोसिएशन 615, तो इसको 615 से मल्टीप्लाई करना, और ये सिक्स के नंबर कितने हैं क्या वैल्यू क्या 344, तो ये वैल्यू कितना आएगा 2064, ये वैल्यू आएगा 3075, ये वैल्यू आएगा 3320, इस सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितना आएगा 8459। ठीक है, यानी इस इन बॉन्ड्स को डिसोसिएशन करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पॉजिटिव, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में सजेस्ट कर चुका हूँ, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब आ रहे हैं यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर अब यह एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन को एटम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वाला एटम में कन्वर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टिव के लिए, तो इसको हम लोग 717, तो कितने कार्बन हैं यहाँ पर काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस कार्बन है, तो दस कार्बन है, तो दस कार्बन का 10 into इसका एटमाइजेशन कितना वैल्यू आएगा 717, इसको 717 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 770 किलो जूल। और इसी तरह का ऐसा हाइड्रोजन का भी एटम में कन्वर्ट करना, तो इसकी कितनी आइटम हाइड्रोजन के नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ है, तो आठ 218 से, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 1744। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो कितना वैल्यू इसका आएगा, ये वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद में 8914। अब सिंपली ये 8914 और यहाँ पर 8459, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो यहाँ पर प्लस 8459 माइनस 8914, ये वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा देख लीजिए, ये कर लेते हैं हम लोग, 8459 माइनस 8914 455
455, तो ये वैल्यू 455 आएगी, आंसर विल बी 455, जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब सो ये क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गिवन इक्वेशन डी डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एच डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी वेयर एच टी सी पी आर एंथैल्पी टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड, ये तो डायरेक्ट है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन में हम लोगों ने बात किया था कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी इन टू टी, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन द टेम्परेचर। इसी तरीके से दूसरा इसका फॉर्म हो सकता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू सी बी इन टू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो ये दोनों फॉर्म होते हैं, ये दोनों क्या है, किरचॉफ्स लॉ। ये वीडियो में डिस्कस किया तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है गेट लाइफ साइंसेज केमिस्ट्री 2012 से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंजेस विद द टेम्परेचर, इट इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 इंटू 10 पावर माइनस 13 एट 60 डिग्री टेम्परेचर। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज, तो देखिए यहाँ पर 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है इसकी वैल्यू, 10 टू द पावर माइनस 14 आयनिक प्रोडक्ट का, यानी डिसोसिएट कर रहा है ये, और 60 डिग्री में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द पावर माइनस 13, यानी और ज़्यादा डिसोसिएट कर रहा है, माइनस 14 से माइनस 13 इंक्रीज किया। इसका मतलब है इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर कॉज द डिसोसिएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन वाटर और डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो ये इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा इसका मतलब है फेवरेबल रिएक्शन, तो फेवरेबल रिएक्शन का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो या फिर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, मेरे अकॉर्डिंग यह आंसर होगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रॉटन रूल, ट्रॉटन रूल भी डिस्कस किया है कि ये नॉन पोलर लिक्विड ओबे करते हैं, तो नॉन पोलर कौन कौन है, बेंजीन जिसका एग्जाम्पल दिया था, टॉलवीन उसका एग्जाम्पल दिया था, और क्लोरोफॉर्म, ये तीनों फॉलो करते हैं, तो आंसर ये होगा सी। एक्सेप्शन कौन सा था, मिथेनॉल हाइड्रोजन एंड एसिटिक एसिड, ये या हाइड्रोजन में वाटर, अगर इसको वाटर भी ले सकते हैं, ये तीनों एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का रीजन मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, तो इस पर अप्लाई नहीं होता, उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ऑल दो ये थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू दी है तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लूँ, ये इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर पर ट्राइऑक्साइड SO3 और इसका डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -23.5 यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज फेवर्ड, SO2 यानी प्रोडक्ट के तरफ फेवर करने के लिए या रिएक्शन कन्वर्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम से प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए क्या कंडीशन देना होगा, तो यहाँ पर कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डेल्टा एन फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एक ही है यहाँ पर SO3 तो एक ही है, सबस्ट्रेट क्या है SO2 एक, और ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये माइनस क्या आएगा 1.2 यानी 0.5 यानी डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो मोल किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ, तो अगर कुछ चेंजेस ना किया जाए तो ये रिएक्शन एक्चुअली सबस्ट्रेट की तरफ में फेवर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ में कम नंबर ऑफ मोल है, सबस्ट्रेट की तरफ में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ भेजूँ, क्या कंडीशन लगाऊंगा, तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा, किस तरफ, सबस्ट्रेट की तरफ, इस तरफ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ
मोल्स ज़्यादा हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेस प्रेशर लगाना, और दूसरी चीज़ कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस हीट को एब्जॉर्ब करना होगा। तो इसको हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट कंप्रेशन, विच इज़, कंप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस कैसे करेगा, गैस है, ये सब गैस है, तो कंप्रेस करने के लिए हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये हाई प्रेशर से होगा, और यहाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री फ्रॉम 2010। ये क्वेश्चन बोल रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। इक्विलिब्रियम नहीं पूछा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है, तो डेल्टा जी की वैल्यू वहाँ इक्विलिब्रियम पर पूछा था, तो इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा, स्पॉन्टेनियस के लिए इसको नेगेटिव रखना होगा फॉर स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच टी डेल्टा एस, तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब इसको नेगेटिव रखें, और दूसरा कब नेगेटिव आएगा, जब टी के साथ में ये वाला वैल्यू पॉजिटिव रहे तभी स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव रखने हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा पूरा, तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रखें, तो यानी एस ग्रेटर देन जीरो, एस टोटल एस की वैल्यू क्या होगा, एस इन्वायरमेंट या टोटल एस इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तभी स्पॉन्टेनियस, आंसर विल बी ऑप्शन, होप सो ये क्लियर है। तो इसी के साथ मैंने थर्मोडायनेमिक्स का 2020 से लेके 2010 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, और देखा ये कोई भी टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, तो सभी को मैंने ऑलरेडी, हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी थ्योरी में मैंने डिस्कस किया हुआ है इन चार वीडियोज में, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि चार वीडियोज जो मैंने बनाया थर्मोडायनेमिक्स में उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ कुछ साल में, ईयर्स में दो दो क्वेश्चन आएगा, जैसे 2020 में दो क्वेश्चन आएगा, 2016 में दो क्वेश्चन आएगा, 2015 में दो क्वेश्चन आएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए अच्छे से, इससे अगर मेरे उन चार वीडियोस को देख लिया, फोर वीडियोस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।